एवरीवन, तो आज हम बात करते हैं ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो हमारे ट्रैक्टर में ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम सबसे पहले लगाया क्यों गया? तो हमारा देखे पर सबसे पहला सिस्टम था पावर जनरेटिंग। ठीक, पावर जनरेटिंग हमने क्या किया, एक इंजन तैयार कर लिया। फिर हमने लगाया ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम से उसे हमने ड्राइव दे दिया, उस इंजन को हमने एक व्हीकल बनाया, ड्राइव दिया। अब उस व्हीकल तो बना लिए, तो उस व्हीकल को अब हमें आगे आगे ले जाने के लिए हमको चलाना है। तो उसको क्या करें, सिर्फ कंट्रोल सिस्टम लगा दिया उसमें। ठीक, हमारे एक पूरा व्हीकल बन गया। अब व्हीकल को अब हम क्या करना है, ट्रैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो ट्रैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रैक्टर में डिफरेंट हमारा क्या है, हार्डवेयर सिस्टम अदर व्हीकल के अकॉर्डिंग। तो हम उसमें हार्डवेयर सिस्टम ऐड कर दिए। हमारा इतना सिस्टम हो गया पूरे। अब बचता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो हमने सबसे बड़ी बात आती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाया क्यों गया ट्रैक्टर में? तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यदि हम ट्रैक्टर से हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो फील्ड में हम तो दिन में वर्क आसानी से कर सकते हैं, लेकिन रात में यदि हम वर्किंग करना है ट्रैक्टर से, तो हम वहाँ रात में करने में प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगानी पड़ेगी ताकि हमको लाइट मिल सके। ठीक ना? और दूसरी बात कि यदि हम ट्रैक्टर को कहीं पर ले जा रहे हैं फील्ड में, या फिर कहीं पर भी रोड पर ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है यदि सेल्फ स्टार्टर नहीं रहेगा, तो क्या उसे धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा तो है नहीं कि आप चार आदमी साथ में लेंगे और ट्रैक्टर पर बैठेंगे और हमेशा लेके बैठ चलते रहेंगे। जहाँ पर ट्रैक्टर बंद करेंगे वहाँ पर धक्का भी लगवाएंगे, या फिर ट्रैक्टर को हमेशा स्टार्ट करके छोड़े रखेंगे, उसमें क्या फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रैक्टर को ज़्यादा स्टार्ट किए। तो इसलिए क्या किए, इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रैक्टर में भी ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगा दिया गया। ठीक ना? तो चलते हैं ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में, सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो आते हैं ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, पहले देख लेते हैं हमारे कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं मेन। इसमें देख रहे हैं ऊपर सबसे पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, बैटरी रहेगा एक, जो हमारा ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है बैटरी। तो पहला बैटरी है। फिर इसके बाद बैटरी से कनेक्शन हमारा कहाँ जाएगा, स्टार्टर मोटर में। ठीक, स्टार्टर मोटर में गया, स्टार्टर मोटर क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट करेगा। इंजन में गया पावर, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। जब इंजन स्टार्ट हो गया तो अब बैटरी को अब हमारा चल रहा है, बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें लगा दिए हम अल्टरनेटर जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। क्लियर? ये सब हमारे उसके मेन पार्ट्स है। और रह गया अगला पार्ट वायरिंग। ठीक, वो तो वायरिंग तो करनी पड़ेगी आपको। क्लियर? ये सब हमारे इसके मेन कंपोनेंट है जो आपको नेसेसरी है लगाना। तो सर नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं, देखते हैं। आते हैं कंटेंट क्या है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला बैटरी है, अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, क्लस्टर यूनिट एंड कंट्रोल वायरिंग, इतने हमारे कंटेंट्स हैं। हमको इतने इसके इन सब के विषय में जानना है। तो जान लेते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बैटरी से। तो देखते हैं, तो बैटरी हमारा क्या है, बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा बैटरी कहलाता है। ठीक, तो बैटरी क्या करता है, बैटरी इलेक्ट्रिक को स्टोर करता है। कौन सी इलेक्ट्रिक को, डीसी, डीसी करंट को स्टोर करने का साधन है। तो स्टोर करता है, तो हम उसमें करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर डीसी क्यों स्टोर करते हैं। तो ऐसा है कि हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते, एसी करंट को, क्योंकि एसी करंट में क्या हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, इसलिए इसको उस करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम केवल डीसी करंट ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक, स्टोरेज डिवाइस हमारा क्या है, बैटरी। बैटरी हमने इलेक्ट्रिक स्टोर कर लिया, उस बैटरी से कनेक्शन हमने किस पे दिया, सेल्फ स्टार्टर पर दिया। सेल्फ स्टार्टर का क्या करेगा, हमारे ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो बात आती है बैटरी, बैटरी कितने टाइप के होते हैं, या फिर ट्रैक्टर में कौन सी टाइप की बैटरी लगती है। तो को मेन हमारा बैटरी दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी बैटरी में हमारी वो बैटरी आती है जो जिसको हम एक बार चार्ज कर दिए उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे वोल्टी सेल। जैसे वोल्टी सेल पहले पुराने समय में आते थे जो चार्जेबल नहीं थे, एक बार यदि आप उसको लगा दी यूज करने के बाद वो यूजलेस हो जाता था, तो वोल्टी सेल था, उसको यूज नहीं कर सकते थे। ठीक, वो प्राइमरी
प्राइमरी बैटरी में आता है। ट्रैक्टर में जो बैटरी लगता है वो आता है सेकेंडरी बैटरी में। सेकेंडरी बैटरी वो बैटरी होती है जिसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं और पुनः चार्ज करके दोबारा हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें आता है हमारा सबसे मेन बैटरी है लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी और डेनियल, ये सब क्या है हमारे हमारे सेकेंडरी में आते हैं जिसको हम पुनः चार्ज करते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी है तो हमारे मोबाइल का बैटरी भी हमारा इसी में आता है सेकेंडरी में। ठीक, तो अब बात आती है ट्रैक्टर में कौन सी बैटरी यूज करते हैं। तो ट्रैक्टर हमारा सेकेंडरी बैटरी जो हमारे लेड एसिड बैटरी होती है, आगे बताएंगे लेड एसिड बैटरी होता क्या है, इसे क्यों बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। ठीक, तो पार्ट्स में चलते हैं, बैटरी के पार्ट्स क्या क्या है अब देखते हैं। बैटरी से हमको पता चल गया, तो बैटरी के पार्ट्स में आएंगे। सबसे पहला पार्ट है इसमें, इसमें तो सबसे पहले चीज प्लेटें रहेंगी। तो प्लेट हमारी कौन सी रहेगी, दो प्लेटें रहेंगी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट रहेंगे, और क्या रहेंगे हमारे ड्यूलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, H2SO4, या फिर उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, उसमें डिस्टिल्ड वाटर भी रहता है, H2SO4 के साथ डिस्टिल्ड वाटर भी रहता है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर थोड़ा सा काफी मिस्टेक हो गया है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी ऐड करना होता है। ठीक, केवल H2SO4 नहीं रहता है। और तीसरा रहता है सेपरेटर, सेपरेटर जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को बीच में डाला जाता है ताकि हमारे अलग अलग रहें। यदि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मैच हो जाएंगे तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसलिए उसके बीच में सेपरेटर डालते हैं जो हमारे न्यूट्रल होता है, जो जो विद्युत को सेपरेट करता है। ठीक, और सबसे अगला पार्ट है बैटरी कंटेनर, या फिर बैटरी बॉक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट हमारा क्या है, पॉजिटिव प्लेट हमारे लेड की बनी होती है, लेड पराक्साइड की हमारी बनी होती है पॉजिटिव प्लेट। और दूसरा हमारा है नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट हमारे लेड की बनी होती है। ठीक, और पॉजिटिव प्लेट, सर नेक्स्ट स्लाइड करिए, इसमें है, हाँ ये देख लीजिए, इसमें जो दिख रहा है हमारे सेल दिख, ये हमारे प्लेटें दिख रही हैं, हमारे पॉजिटिव प्लेट भी है और नेगेटिव प्लेट भी। यहाँ पर देख रहे हैं जो भूरे कलर की दिख रही है, ये हमारे पॉजिटिव प्लेट है। ठीक, जो यहाँ पर भूरे कलर की दिख रही है वो हमारे पॉजिटिव प्लेट है, और जो हमारे जो ग्रे कलर की है वो हमारे पॉजिटिव है, और जो भूरे कलर की है वो हमारे नेगेटिव है। ठीक, जिसका भी सर मार्क कराए हैं वो हमारा क्या है, नेगेटिव है, और अगला हमारा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव प्लेट जो साइज देख रहे हैं आप, वो पॉजिटिव प्लेट केवल हमारा करंट किस में रहता है, केवल पॉजिटिव प्लेट में, नेगेटिव प्लेट में नहीं रहता है करंट। तो ये पॉजिटिव प्लेट हमारा 15 एम्पियर की होती है। ठीक, 15 एम्पियर करंट जनरेट कर सकता है एक पॉजिटिव प्लेट, इसकी साइज होती है, इसकी साइज स्टैंडर्ड रहती है 15×12। ठीक, इतने साइज की हमारी बैटरी होती है, और बैटरी हमारे उतने साइज की प्लेट होती है। तो प्लेट हमारी, अब प्लेट हमारी हो गए बैटरी में, तो इन प्लेटों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को, सभी प्लेट को जोड़ना पड़ेगा। तो इन प्लेटों को जोड़ने के लिए हमारा है प्लेट कनेक्टर, ऊपर जो हमारा बैटरी पर जुड़ा हुआ है प्लेट कनेक्टर, और इधर ठीक वहाँ पर है प्लेट कनेक्टर, देख रहे हैं अभी प्लेट कनेक्टर जुड़ा हुआ है, सारे प्लेट को आपस में जोड़ता है ये। और हमारा है दूसरा सेल कनेक्टर, ये नीचे हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर सेल कनेक्टर है। तो ये सेल कनेक्टर दिख रही है जिसमें दो होल दिख रहे हैं, ये हमारा सेल कनेक्टर है जो हमारे सेल को जोड़ता है। ठीक, अब बात करते हैं अब सेपरेटर की। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरे इमेज में हमारा सेपरेटर है जो माइक्रोफोरस प्रूफ रबर एसिड का बना होता है। ठीक, माइक्रोफोरस प्रूफ रबर एसिड इसका बना होता है, जो हमारा जो कि हमारा इसमें क्या बैटरी में एसिड होता है, तो एसिड की वजह से उसमें हमारा खराब नहीं होता है, इसलिए इसे माइक्रोफोरस प्रूफ रबर एसिड बोलते हैं। और ये सेपरेट भी करता है प्लेटों को ताकि आपस में कॉन्टेक्ट ना हो पाए। ठीक, ये सेपरेटर हो गए, यहाँ आप देख लीजिए नीचे सेपरेटर के साथ लगाया गया है प्लेट को, देख रहे हैं कैसे प्लेट के दोनों प्लेटों के बीच में आपस में हमारा सेपरेटर लगा देते हैं। अब बात आती है हमने एक बात की सेल की, तो सेल क्या होता है, सेल हमारा होता है कई प्लेटों का समूह। यदि कई प्लेटों को आपस में जोड़ देंगे सेल कनेक्टर के द्वारा तो हमारा वहाँ बनता है एक सेल। ठीक, तो बैटरी में एक सेल जो होती है वो हमारा 2 वोल्ट का होता है। ठीक, उसमें पूरे बैटरी में 6 सेल होते हैं, यदि बैटरी को खुल कर देखेंगे वो स्लॉट स्लॉट में
6 लाख काटे होंगे, 6 भागों में बैटरी कन्वर्ट होगी, जिसमें प्लेटें अलग अलग प्लेटें रखी होंगी 6। एक प्लेट एक स्लॉट जो है उसको एक सेल बोलते हैं, उसमें उसमें एक हमारे प्लेटें रहेंगे, प्लेटों का एक समूह रहेगा ठीक, जिसे हम सेल कहते हैं। तो ऐसे 6 सेल रहेंगे, तो पूरा हमारा सेल हमारा 6 सेल हो गए। एक सेल हमारा 2 वोल्ट का है तो पूरे 6 सेल है, तो पूरी बैटरी कितने को हो गए ऐड कर देगा आपस में, हमारा पूरा टोटल 12 वोल्ट हो गए। तो 12 वोल्ट कैसे होंगे, जब इसको हम सीरीज कनेक्शन में करेंगे ठीक। इसमें सीरीज कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन नहीं किया जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन हमारा एम्पियर बढ़ता है। हमको सीरीज में कनेक्शन को हमको वोल्टेज चाहिए, अभी दो दो वोल्ट किए हैं, दो दो वोल्ट किए हैं, तो वो दो दो वोल्ट मिल करके हमारे 12 वोल्ट हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे ये सीरीज कनेक्शन किया गया। सीरीज कनेक्शन हमारा क्या होता है, हमारा पॉजिटिव से निगेटिव जोड़ा जाता है, तो पॉजिटिव जब निगेटिव आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पर सारी वोल्टेज आपस में जुड़ जाती हैं, तो हमारे एम्पियर तो स्थिर रहता है लेकिन वोल्ट हमारा बढ़ जाता है सीरीज कनेक्शन में, इसलिए हम सीरीज कनेक्शन में करते हैं ठीक। और हमारे जो पैरेलल कनेक्शन होती है, पैरेलल कनेक्शन हमारे एम्पियर बढ़ जाता है, वोल्ट हमारा स्थिर रहता है, वोल्ट जितना वोल्ट रहेगा, जैसे 12 वोल्ट की दो बैटरी रखी है, उन दोनों बैटरी का पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव जो आपस में जोड़ देंगे तो वो बैटरी कितने को हो जाएगी, हमारी बैटरी के यदि वोल्ट की बात करेंगे वो वोल्ट हमारे 12 वोल्ट ही रहेंगे, लेकिन एम्पियर कितना हो जाएगा, सपोज दैट एक बैटरी हमारा 50 एम्पियर की है, 45 एम्पियर की है, और दूसरी बैटरी 45 एम्पियर की है, तो एम्पियर हमारा जस्ट दुगुना हो जाएगा, 45 90 ठीक, 90 एम्पियर की हमारी बैटरी हो जाएगी। लेकिन सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है, यदि 45 एम्पियर की बैटरी है तो 45 एम्पियर ही रहेगी, हमारे वोल्टेज दुगुना हो जाएगा। जस्ट हम यदि दो बैटरी को आपस में कनेक्ट करें, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपस में कन्वर्ट कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों बैटरी का, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे, तो उसमें क्या होगा, वोल्ट हमारा उतना ही रहेगा ठीक, अरे सॉरी एम्पियर हमारा उतना ही रहेगा, बोले तो 45 एम्पियर ही रहेगा, लेकिन वोल्ट हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर 24 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या होता है, वोल्ट वहाँ पर बढ़ जाता है और हमारा एम्पियर स्थिर रहता है ठीक। हम यहाँ पर सीरीज कनेक्शन करते हैं सारे सेलों को, जिससे हमारे एक सेल हमारा 2 वोल्ट की है, 6 सेल है, तो हमारे टोटल 12 वोल्ट की हो गई बैटरी तैयार ठीक है ना। तो सर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसके पार्ट्स होगा बैटरी सारे ठीक। अब बैटरी का हो गया, तो बैटरी में अब हम बैटरी के बाद हमारा आता है हमारा दूसरा पार्ट, अब बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए, तो बैटरी को चार्ज करने का अगला पार्ट हमारा है मेन पार्ट अल्टरनेटर ठीक। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमको सबसे पहली बात आती है मैकेनिकल एनर्जी मिलता कहाँ है, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे उससे हैंड बेल्ट से मिलता है, जो हमारा हैंड बेल्ट होता है, हैंड बेल्ट से जो पुली होती है, जो उस पुली पर जो बेल्ट चढ़ी होती है, उस बेल्ट से ही हमारा कनेक्शन होता है अल्टरनेटर पर। यहाँ पर देख रहे हैं फिगर में एक बेल्ट लगी हुई है, वो बेल्ट हमारे किससे है, फैन पुली से है ठीक। वो फैन पुली से सीधा कनेक्शन, जिससे हमारे ट्रैक्टर चलेंगे फैन पुली चलेगी तो उस बेल्ट द्वारा क्या करेगा, अल्टरनेटर चलना स्टार्ट करेगा ठीक। तो अल्टरनेटर क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रिक कौन सा जनरेट करेगा, ये हमारा एसी करंट जनरेट करेगा, उसमें एसी करंट जनरेट करेगा, तो उसमें लगाते हैं अंदर ही अंदर रेक्टिफायर या फिर डायोड असेंबली जिसे बोलते हैं, कुछ रेक्टिफायर बोलते हैं, कुछ डायोड असेंबली बोलते हैं, तो उसके अंदर ही लगा देता है। तो क्या अंदर ही अंदर वो क्या करता है, उस चीज़ को एसी करंट को सीधे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो सभी लोग कहते हैं कि अल्टरनेटर जो है डीसी करंट जनरेट करता है ठीक, लेकिन होता है एक्चुअल में एसी करंट ही पहले जनरेट करता है। एसी करंट को हम रेक्टिफायर लगा करके वहाँ पर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो डीसी में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, उससे हम उस इलेक्ट्रिक को क्या करते हैं, वहाँ कहाँ ले जाते हैं, बैटरी के पास ठीक। तो बैटरी के पास जाते हैं, जिससे बैटरी हमारे चार्ज होती है। तो पहले के ट्रैक्टर में, पुराने ट्रैक्टर में हमारा अल्टरनेटर नहीं आते थे, वहाँ पर आते थे डायनामो। अब डायनामो नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि डायनामो क्या होता है, डायनामो हमारे बैटरी को अच्छे से चार्ज नहीं कर पाता था। ऐसा होता था बैटरी की एफिशिएंसी, हमारे डायनामो की एफिशिएंसी ऐसी थी कि उसे सही इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए कम से कम ट्रैक्टर को 1500 RPM पर चलना चाहिए, 1500 RPM पर इलेक्ट्रिक अच्छा जनरेट करता है, जिससे बैटरी हमारा प्रॉपर तरीके से चार्ज होता था। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रैक्टर को हमेशा 1500 RPM पर चलाएंगे, जिससे क्या होता था, वो हमारा करंट का फ्लक्चुएट करता था, फ्लक्चुएशन होता था, अप डाउन होता था, क्योंकि RPM अप डाउन हो रहे हैं
तो हमारा इलेक्ट्रिक भी अप डाउन होते थे, 15 से 20 मिनट तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होता कि हमारी बैटरी का बैटरी में जब फ्लक्चुएट होकर पावर आते थे, जिससे हमारी बैटरी धीरे धीरे जल्दी खराब हो जाते थे और बैटरी अच्छे से चार्ज भी नहीं हो पाते थे। ठीक, तो इसलिए क्या करें, डायनामो हटा दिए। अब आ गया है अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर क्या करता है, अल्टरनेटर हमारे 350 से 750 RPM पर ही इलेक्ट्रिक जनरेट कर देता है। ठीक, तो ट्रैक्टर के मिनिमम आइडियल आरपीएम देखेंगे 350 ही होता है, 350 से 750 RPM पर ही हमारा आसानी से इलेक्ट्रिक जनरेट कर देता है, जितना बैटरी को चाहिए। अब बात आती है, कुछ कुछ लोगों के दिमाग में आती है कि यदि हम आरपीएम 700 से ज़्यादा चला गया तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। हाँ सही बात है, यदि जितना आरपीएम बढ़ाएंगे उतना अधिक इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो इस इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि रेगुलेट करने के लिए, इसमें एक लगा होता है AVR, ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक, AVR लगा होता है जो हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यदि बैटरी को 45 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो 40.5 वोल्ट तक ही करंट को बैटरी को देता है और बाकी करंट को हम वो हमारा ऑब्जर्व कर लेता है AVR। ठीक है ना, जिससे हमारा इसमें ये इस समस्या खत्म हो गई, हमारी बैटरी खराब नहीं होती थी। इसलिए अब हम क्या कर लेंगे, इसमें लगाने लगे अब हम अल्टरनेटर। क्लियर। अब बताते हैं कि हमारे एक ट्रैक्टर की बैटरी कितने घंटे में चार्ज होती है। तो एक ट्रैक्टर की बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करने के लिए ट्रैक्टर को कम से कम 20 घंटे चलना चाहिए। कम से कम 20 घंटे में ट्रैक्टर की बैटरी अच्छे से पूर्ण रूप से चार्ज हो जाती है, 40.5 वोल्ट हमारे प्रॉपर मिल रही है तो। ठीक है ना, ये हमारे हो गए अल्टरनेटर की बात। तो सर नेक्स्ट स्लाइड करिए आप। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक हमारे हमारे बैटरी में कन्वर्ट हो गया, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इस समय। अब उस बैटरी का, बैटरी में जो इलेक्ट्रिक है उस इलेक्ट्रिक का हम उपयोग करेंगे कहाँ पर, हमारे सेल्फ स्टार्टर में। ठीक, स्टार्टर मोटर में। तो बैटरी कनेक्शन कहाँ जाएगा, स्टार्टर मोटर में। स्टार्टर मोटर में ऊपर देख रहे हैं हमारा क्या है, ऊपर लगा है हमारा सोलेनाइड स्विच। ठीक, ऊपर दिख रहा है जो ब्लैक कलर की दिख रही है ऊपर छोटी सी, वो हमारा क्या है, सोलेनाइड स्विच। और नीचे का जो है, जो ब्लू कलर का थोड़ा दिख रहा है, वो हमारा क्या है, सेल्फ स्टार्टर मोटर है। तो इसमें सबसे मेन पार्ट होता है हमारा सोलेनाइड स्विच। सोलेनाइड स्विच ही हमारा सबसे मेन पार्ट होता है। तो सोलेनाइड स्विच का काम क्या है, कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक जाते है तो सोलेनाइड स्विच हमारे क्या होता है, मैग्नेट जनरेट होता है। जैसे हम चाबी घुमाते हैं तो पहले सोलेनाइड स्विच में मैग्नेट जनरेट होता है। तो मैग्नेट जब जनरेट होता है, सोलेनाइड स्विच के अंदर क्या होता है, एक प्लंजर होता है और प्लंजर पर लगा होता है हमारा एक गियर, फॉर्क के द्वारा एक गियर लगा होता है। जो गियर का कनेक्शन कहाँ पर होता है, मोटर पर होता है। वो गियर लगा होता है हमारे मोटर पर लगा होता है, सेल्फ मोटर पर। ठीक, मोटर पर लगा होता है वो गियर, और फॉर्क द्वारा सोलेनाइड स्विच का जो प्लंजर है और फॉर्क द्वारा वो गियर और ये सोलेनाइड स्विच का प्लंजर दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा प्लंजर, जैसे हम चाबी स्टार्ट करते हैं, तो पहले सोलेनाइड स्विच में क्या होता है, मैग्नेट जनरेट होता है। तो मैग्नेट जनरेट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, प्लंजर हमारे पीछे आते हैं। जब प्लंजर पीछे आते हैं तो वो फार्क को ऑपरेट करते हैं। जब फार्क को ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर का जो हमारे मोटर के ऊपर जो गियर लगे हैं, बेंडेक्स गियर, उस बेंडेक्स गियर को आगे धका देगा। आगे धकाएगा कहाँ, वो बेंडेक्स गियर जाके कहाँ पर जाएगा, फ्लाई व्हील पर। फ्लाई व्हील पर देखे थे, फ्लाई व्हील हमारे रिंग गियर कटे हुए थे, जो सर ने ट्रैक्टर का फ्लाई व्हील दिखाया था PPT में, उस पर देखे थे टीथ कटा हुआ था फ्लाई व्हील पर। तो वो टीथ हमारे सेल्फ स्टार्टर के लिए लगा था, उसको वो बेंडेक्स गियर जा करके उस टीथ पर, रिंग गियर के टीथ पर जाके मेस हो जाता था। जैसे ही हमारा मेस हुआ और सोलेनाइड स्विच में जैसे प्लंजर पीछे आता है, उसमें स्विच होता है थोड़ा सा, जैसे वो स्विच को ऑपरेट करता है तुरंत हमारा कनेक्शन कहाँ जाता है, मोटर में। और उधर से हमारा गियर हमारे फंस गया किस पर, रिंग गियर पर, फ्लाई व्हील पर। और यहाँ से मोटर का स्विच ऑन हो गया तो हमारा मोटर चलना स्टार्ट कर देता है। जब मोटर चलना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। फ्लाई व्हील घूमेगा, फ्लाई व्हील से हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे हमारा सेल्फ स्टार्टर वर्क करता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं अगला सर, नेक्स्ट। हाँ, अगला है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट। ठीक, हम इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल में देखते हैं हमारा क्या क्या है, जो हैंडल के नीचे जो होता है इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, तो इस पर देखते हैं। हमारा सबसे पहला है
ऑयल प्रेशर गेज, यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल प्रेशर गेज दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, ऑयल प्रेशर गेज वहाँ पे दिख रहा है। तो ऑयल प्रेशर गेज का काम क्या है, हमारे ऑयल का जो लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन हो रहा है, लुब्रिकेशन वाला फोर स्पीड है, तो लुब्रिकेशन पंप लगा है, तो वो क्या कहते हैं, प्रेशर को बताता है कितना प्रेशर चल रहा है। वैसे में इंजन में प्रेशर कितना चाहिए, 2 से 5 kg का प्रेशर चाहिए, इतने केजी के प्रेशर हमारा लुब्रिकेशन होता है चक्कर का, 2 से 5 kg के बीच में, तो वो प्रेशर हमारा उतना मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें हम देखते रहते हैं उतना ही प्रेशर है कि कम है, यदि ज़्यादा है तो उसे मेंटेन करेंगे, हमारे गैलरी कहीं पर चोक हो गई है, यदि कम है तो हमारे कहीं से लीकेज हो रहा है, ठीक है ना। इसमें हम देख लेंगे ऑयल प्रेशर गेज, फिर यहाँ पर देख रहे हैं बैटरी चार्जिंग का, एक है इधर बैटरी चार्जिंग का देख रहे हैं, बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर। तो बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर में हमारा दिखाता है कि बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो उसमें उसको कैसे पता करेंगे, तो अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारे जो इसमें सुई है वो क्या है, निगेटिव साइड है, ठीक, एक साइड देख रहे हैं निगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। तो जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं, ठीक, स्टार्टिंग स्विच ऑन होती है, हमारा आता है निगेटिव साइड, लेकिन जैसे हमारा चक्कर स्टार्ट हो जाता है, तुरंत हमारे एक ये हमारी जो सुई दिख रही है वो हमारे ग्रीन जोन में चली जाती है। ये ग्रीन जोन में जब तक रहती है तब तक पता रहता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है इस समय, ठीक। जब तक ग्रीन जोन में रहता है तब तक हमको पता रहता है कि बैटरी चार्ज हो रही है, या ग्रीन जोन से रेड जोन में चला गया तो हमारे कहीं डिस्टर्बेंस है, हमारी बैटरी नहीं चार्ज हो पा रही है, ठीक। तो ये हमारा इंडिकेटर है, इसमें इंडिकेट करता है। और अगले इंडिकेटर की तरफ जाते हैं, हमारा है इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक, जो हमारा इंजन का टेम्परेचर को बताता है कि कितने टेम्परेचर पर हमारा चल रहा है। ट्रैक्टर का वर्किंग टेम्परेचर क्या है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं भाई जीरो पर है, वहाँ से जैसे हमारा ट्रैक्टर किस पर चलना चाहिए, ग्रीन जोन में ही चलना चाहिए हमेशा, इसका वर्किंग टेम्परेचर ग्रीन जोन में ही चलना चाहिए। ऐसे में हमारा 80 होता है, 85 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो हमारा ग्रीन जोन जो है 85 तक रहता है, हमारा ग्रीन जोन से ऊपर नहीं जाता, ग्रीन जोन से जो ऊपर गया जैसे गया रेड जोन में आ गया, हमारा रेड जोन में यदि आ गया तो हमारा हीटिंग की प्रॉब्लम है, हमारे ट्रैक्टर हीट हो जा रहे हैं, तो वहीं पर ट्रैक्टर आपको बंद करना है। यदि आप ट्रैक्टर वहाँ पर बंद नहीं करेंगे तो हमारा इंजन क्या होगा, सीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मतलब ट्रैक्टर हमारा हीट हो रहा है, ट्रैक्टर हीट होने का कारण क्या है, या तो लुब्रिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, या फिर कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, यही दो कारण है जिससे हमारा ये ट्रैक्टर हीट होते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ये हमारे ग्रीन जोन में ही चलने चाहिए, रेड जोन में कोई नहीं चलने चाहिए, क्लियर। तो अगला आते हैं यहाँ पर फ्यूल गेज, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ठीक। फ्यूल लेवल इंडिकेटर में देख रहे हैं, ये फ्यूल का बताता है, आप बता इसमें देख ही रहे हैं, रेड जोन में रहेगा तो हमारा इमरजेंसी है, ठीक, आपको फ्यूल भराना है, और ग्रीन जोन में हमेशा रहना चाहिए, इसमें तो कोई बताने की आवश्यकता है नहीं। और इसमें नीचे हमारा है लो बीम इंडिकेटर, यहाँ आप देख रहे हैं लो बीम इंडिकेटर, जिससे जो लाइट मारते हैं अपर और डीपर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, लो बीम इंडिकेटर मतलब डीपर का है, मतलब हमारा लाइट के जो जो हमारा मेन लाइट है, ठीक, उसका डीपर है, मतलब हमारा जो फोकस लाइट की फोकस है वो नीचे जा रही है। और हाई बीम इंडिकेटर मतलब कि हमारे इंडिकेटर दूर जा रहा है, लाइट की जो हमारे बल्ब की लाइट है वो क्या है, दूर जा रही है, ठीक, अपर और डीपर करने के लिए, अपर मतलब नीचे, डीपर मतलब दूर, ठीक ना। और तीसरा है हमारा इंजन हावर मीटर, तो देख रहे हैं इंजन हावर मीटर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा एक सबसे बड़ा सर्किल दिख रहा है इंडिकेटर, तो उसमें तीन चीज इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंडिकेट करता है RPM, ठीक, जो देख रहे हैं बताता है कि ट्रैक्टर हमारा कितने RPM पर चल रहा है, जैसे 10 पर गया तो 10 पर गया तो दिख रहा है RPM इंटू 100, मतलब कि RPM कितना दिखा रहा है, 10 इंटू 100, मतलब कि 1000 RPM पर चल रहा है, जितना दिखाएगा जितने जितने पर हमारा सुई जाएगी, 10 पर जा रहा है तो 1000 RPM पर चल रहा है, उसमें 100 का गुणा कर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि 15 पर जा रहा है तो 1500, ठीक, ये RPM बताता है। और इसमें क्या है, नीचे दिख रहे हैं, नीचे हमारा दिख रहा है आवर मीटर, नीचे हमारा आवर मीटर है, तो इसमें दिख रहा है हमारा ट्रैक्टर कितने घंटे चला, इस चीज़ को इंडिकेट करता है, ट्रैक्टर हमारा कितने घंटे चल रहा है, चल चुका है, ठीक। और एक कनेक्शन हमारे यहाँ बच्चा बैटरी यूज इंडिकेटर, ठीक, इसमें दिखाता है कि बैटरी हमारा जब चल रहा है तो उसका बैटरी का यूज हो रहा है कि सेल्फ स्टार्टर का यूज हो रहा है, ठीक। तो जब ट्रैक्टर हमारा चलने लगता है तो क्या होता है कि वो हमारा
जो हमारा इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक हमारे बैटरी से ना लेकर के अल्टरनेटर से लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि हमारा कहाँ से ले रहा है पावर। ठीक, यदि ये बैटरी से लेने लगेगा तो यहाँ पर इंडिकेट करने लगेगा कि हमारा ये अब बैटरी से लेने लगा है, हमारा सब चीज़ें अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है इस समय। ठीक है ना, ये इंडिकेट करता है। और अगला ऊपर देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर है। ठीक, ये लेफ्ट और राइट टर्न के लिए समय है, टर्निंग का है, ये तो सभी जानते हैं। लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर जलेगा, राइट टर्न करना है तो राइट का इंडिकेटर जलेगा। ठीक ना, ये डैशबोर्ड में इतने सारे मीटर होते हैं, आपके इंडिकेटर होते हैं। क्लियर, अब चलते हैं अगले अगले स्लाइड में। हाँ, अगले स्लाइड में हमने देखे हैं ट्रैक्टर का वायरिंग डायग्राम, ट्रैक्टर का वायरिंग कैसे होती है, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। सारे ट्रैक्टर में ऐसे ही वायरिंग होती है। ठीक है ना, इसे अच्छे से समझिएगा आप लोग। यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा दिख रहा है यहाँ बैटरी। ठीक, बैटरी में दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव टर्मिनल देख रहे हैं, कहाँ पर गया अर्थ, जो लिखा है अर्थ उसको कहाँ पर दे देंगे, वो दे देंगे ट्रैक्टर की बॉडी में, पूरी पूरी नेगेटिव बैटरी के पूरे नेगेटिव हाथ दे देंगे ट्रैक्टर की बॉडी में, मतलब कि बॉडी में पूरी पूरी नेगेटिव दौड़ती रहती है। ठीक, और क्या करें, बचा पॉजिटिव, तो पूरे ट्रैक्टर में जितनी भी वायरिंग होती है केवल पॉजिटिव ही रहती है, सब जगह नेगेटिव कहीं नहीं रहता है, सारे वायरिंग में पॉजिटिव ही रहती है। और नेगेटिव कहाँ रहता है, ट्रैक्टर के बॉडी में, जो बॉडी से हम ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है ना, तो केवल पॉजिटिव सब जगह वायरिंग दौड़ दौड़ी रहती है ट्रैक्टर में। तो बात करते हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारा इंडिकेटर कहाँ गया, सबसे पहले हमारा देख रहे हैं ये जा रहा है हमारा स्टार्टिंग स्विच पर। स्टार्टिंग स्विच में हमारे तीन पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3, तो किस पर जा रहा है, सबसे नंबर फर्स्ट नंबर पॉइंट पर। ठीक, तो बैटरी का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट का है फर्स्ट नंबर पॉइंट पर। स्टार्टिंग स्विच को मतलब जिसमें हम चाबी लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग स्विच। तो स्टार्टिंग में जैसे लगाएं कि वो हमारा एक नंबर पॉइंट पर है। ठीक, एक नंबर पॉइंट पर हमारा कोई भी चीज़ ऑन नहीं है, देख रहे कनेक्शन कहीं पर भी नहीं जा रहा है, मतलब कि हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन कहाँ पर जा रहा है, एक नंबर से कनेक्शन हमारा कहाँ गया है, ये अल्टरनेटर पर। देख रहे हैं, एक नंबर से हमारा वायर आया है और गया है अल्टरनेटर पर। ठीक, अल्टरनेटर पर आया है वो एक नंबर से है। फिर इसके बाद आते हैं, जैसे हम चाबी को थोड़ा टर्न कराएंगे सेकेंड नंबर पर, चाबी एक बार टर्न कराएंगे, पहले हमारे जैसे टर्न कराएंगे हमारा कहाँ पर आ जाएगा, दो नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पॉइंट पर आएगा। फिर दूसरे नंबर पॉइंट का देख रहे हैं, दूसरे नंबर पॉइंट से भी आया है हमारा कहाँ पर आया, अल्टरनेटर पर पला गया है। पहला दिखाई जी पला गया है हमारा कहाँ पर, अल्टरनेटर पर पॉइंट गया है। ठीक, दोनों पॉजिटिव है, एक एक पॉइंट से गया है, एक दूसरे पॉइंट से गया है, दो लेकिन दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों के दोनों पॉजिटिव गए हैं। ठीक, तो दो ये दो नंबर गया अल्टरनेटर पर दोनों, और दो नंबर से देख रहे हैं सीधे गया, एक कनेक्शन गया है लाइट स्विच पर। ये लाइट स्विच है जहाँ से लाइट जलाते हैं, देखते हैं हमारा स्विच रहता है उसे लाइट ऑन करते हैं ऑफ करते हैं। तो लाइट स्विच हमारे देख रहे हैं चार पॉइंट बने हुए, एक जीरो रहता है। ठीक, जैसे आप लाइट स्विच को ऑन कर दिए हैं, मतलब इस चाबी को थोड़ा टर्न करा दिए हैं, एक बार टर्न कराने के बाद अब क्या क्या चला सकते हैं, जीरो पहले जीरो पाते हैं, तो जीरो पॉइंट पर देख रहे हैं क्या क्या जुड़ा है। जीरो पॉइंट से हमारा वायरिंग है क्या का, ब्रेक लाइट की। तो चाबी को थोड़ा एक बार टर्न करा दिए हैं तो आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक लाइट जलेगी। ठीक, अभी ट्रैक्टर का स्टार्ट नहीं है। जैसे दो नंबर अब हॉर्न बजाएंगे, हॉर्न भी बजेगा, प्लाउ लाइट जाएंगे तो प्लाउ लाइट जलेगा, और डैशबोर्ड के सारे गेज गेज पे जो लाइट रहेगी वो भी जलना स्टार्ट कर देगा, और शायद इंडिकेटर भी जलना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अभी यहाँ लाइट स्विच की कोई सफाई नहीं की है, लाइट स्विच हमारे जैसे का तैसे है, इतना सारी चीज़ें वर्क कर रहे हैं, केवल हमारे जीरो पाए हमारे जीरो से कनेक्शन है, मतलब लाइट स्विच का कोई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तब पर भी इतनी चीज़ें वर्क कर जा रहे हैं। ठीक ना, अब अगले चीज़ आते हैं, जैसे ही हम लाइट स्विच पाते हैं, लाइट स्विच का पहला स्विच ऑन करते हैं, ठीक एक नंबर पॉइंट पर ले जाते हैं, तो एक नंबर पॉइंट पर ले जाते हैं, सबसे पहले लाइट स्विच एक नंबर पॉइंट पर हमारा है लाइट स्विच। तो लाइट स्विच का मतलब कि हमारा ये जो हम साइड में लगाते हैं, हमारा लाइट स्विच जलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हम साइड में कहीं ट्रैक्टर लगाते हैं तो हमारा साइड में जलता नहीं है, उसको हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल तौर पर दिखा देंगे लाइट स्विच। ठीक, वो जलेगा एक नंबर पर जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे दो नंबर पर जाएंगे, ठीक दो नंबर पर जाएंगे, दो नंबर को कोई वर्क नहीं होगा, ठीक दो नंबर को कोई चीज़ ऑपरेट नहीं होगी, दो नंबर को खाली छोड़ा है, क्यों छोड़ा है,
क्योंकि क्या होता है ट्रैक्टर में, क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं वहां पर लगा लेते हैं अपना चार्जर, जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए वहां पर चार्ज लगाते हैं, वो एक पॉइंट छोड़ देता है ताकि आप वहां पर चार्जर लगा सके, या फिर अदर कोई कंपोनेंट लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल का तो वहां से 2 नंबर से आप ले सकते हैं कनेक्शन, ठीक है, लास्ट स्विच में से। और फिर आएंगे 3 नंबर पे, जैसे आएंगे वैसे हमारा क्या जलेगा, हेडलाइट, ठीक, हेडलाइट का कौन सा जलेगा, अपर, अपर मतलब कि दूर वाला, ठीक, हमारा लाइट स्विच कहाँ जाए, हेडलाइट का लाइट कहाँ जाएगा, दूर जाएगा वो। और जैसे दूसरा करेंगे हमारा कहाँ पर जाएगा, डिपर, मतलब नीचे डिप आएगा, ठीक ना, तो ये चौथे नंबर पर डिपर है, तो ये अपर डिपर के लिए है, ठीक है ना। तो ये हमारा है पूरा वायरिंग डायग्राम, ये लाइट की बात कर लिए। अब बात आती है कि अब जैसे ही हम अब आते हैं स्टार्टिंग स्विच पर, स्टार्टिंग स्विच भाई 2 नंबर पर थे, 2 नंबर पर इतने सारे वर्क हो गए लाइट के सारे। और जैसे ही हम चाबी को जैसे अगला टर्न लेंगे हमारा वहाँ पर तुरंत ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं जैसे 3 नंबर पर आ रहे हैं, 3 नंबर से कनेक्शन कहाँ पर गया, सीधे हमारा कहाँ गया है, सेल्फ स्टार्टर पर गया है, सेल्फ स्टार्टर सोलनर स्विच पर, देख रहे हैं सोलनर स्विच पर गया है हमारा। तो क्या होगा, वहाँ पर सोलनर स्विच पर हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देगा, इससे हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर जैसे ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हुआ वैसे क्या होगा हमारा, ये वहाँ पर ट्रैक्टर स्टार्ट तो अल्टरनेटर भी चलना स्टार्ट कर देगा, तो अल्टरनेटर चलना स्टार्ट कर देगा, तो अल्टरनेटर क्या बैटरी को चार्ज करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो देख रहे हैं सब के सब पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव पे नहीं देखा, तो लेकिन अल्टरनेटर में क्या नेगेटिव पॉइंट निकलेंगे, तो नेगेटिव पॉइंट को वहीं वहीं क्या कहते हैं बॉडी में ही कनेक्शन कर देते हैं उसका भी, ठीक, सीधे सीधे नेगेटिव वहीं पर बॉडी में देते हैं, वहीं से बॉडी में दे देते हैं। और दोनों के दोनों पॉजिटिव गए हैं दोनों के दोनों, अब बैटरी चार्ज करेंगे तो बैटरी जब अल्टरनेटर इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो हमारा जाएगा 1 नंबर पर और एक जा रहा है हमारा 2 नंबर पर, ठीक, दो कनेक्शन जा रहे हैं दोनों दोनों हमारे 1 नंबर और 2 नंबर पर जा रहे हैं। तो 1 नंबर का जो कनेक्शन जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, सीधे बैटरी को, तो हमारा 1 नंबर कनेक्शन से क्या होगा बैटरी चार्ज हो गई, देख रहे हैं 1 नंबर कनेक्शन सीधे बैटरी पर गया है, मतलब इससे क्या होगा तुरंत बैटरी चार्ज हो गई, नेगेटिव पॉइंट तो बॉडी में दे दिए, और इसका नेगेटिव पॉइंट बॉडी है तो बॉडी से हमारा तो कनेक्शन कर लेगा नेगेटिव, और पॉजिटिव हम 1 नंबर दे दिए इससे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, क्लियर। और दूसरा हमारा है, दूसरा पॉइंट जा रहा है हमारा 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर जैसे ही आप कर दिए जिससे हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा कोई भी कनेक्शन बैटरी से, जैसे जितने भी लाइट स्विच है लाइटिंग है वो हमारे बैटरी से कनेक्शन खत्म हो जाता है, अब हमारा चलता है अल्टरनेटर की लाइट से, अल्टरनेटर जो इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक जनरेट से हमारा 2 नंबर पर जाता है इलेक्ट्रिक, और 2 नंबर से सारे लाइट स्विच काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है बैटरी चार्ज होती है, बैटरी के चार्ज होते रहे, लेकिन अल्टरनेटर जो इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहा है उसी इलेक्ट्रिक से हम क्या कर रहे हैं पूरी पूरी लाइट स्विच का वर्क कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ही हमारा पूरे ट्रैक्टर में वायरिंग हो ही जाती है। नेक्स्ट स्लाइड का, हाँ, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक। आशा करते हैं आप लोगों को पूरा सब चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीज़ें। आप देखते हैं इसके हम ट्रैक्टर में चलते हैं और ट्रैक्टर में सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे हमारा है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं ट्रैक्टर में देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए ट्रैक्टर के पास चले जाएँ। तो हम दिखाते हैं, सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, तो अब हम जाते हैं इसके वायरिंग डायग्राम देखेंगे, ठीक। वायरिंग डायग्राम में सबसे मेन हमारा वायरिंग डायग्राम ही है, ठीक। जैसे हमने वायरिंग डायग्राम बताया थे वैसे वैसे इसमें कनेक्शन पूरे हैं, वैसे सारे पूरे लाइट स्विच हैं, ऐसे सब पूरे ट्रैक्टर में होते हैं। सबसे पहले जाते हैं इस बॉक्स के अंदर का है बैटरी है, ठीक। इसके अंदर बैटरी है, बैटरी में देख रहे हैं एक टर्मिनल यहाँ पर गया है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये देख रहे हैं सीधे हमारे बॉडी में अटैच हो गई है यहाँ पर, ठीक। ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट सीधे हमारे बॉडी में अटैच हो गई है, हमने बताया था जो नेगेटिव पॉइंट होता है बैटरी का सीधे बॉडी में दे देते हैं ट्रैक्टर के, ये देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर की बॉडी में नेगेटिव पॉइंट चला गया है। और हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है तो ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, ये देख रहे हैं ट्रैक्टर का हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट कहाँ गया है सीधे, ये हमारा है ट्रैक्टर सेल्फ मोटर, ठीक, सेल्फ स्टार्टर है, ये पूरा स्टार्टर मोटर है। इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं पूरा, इसके अंदर हमारा फ्लाई व्हील है, ठीक, इसके अंदर फ्लाई व्हील है, इधर क्लच है, तो फ्लाई व्हील पर हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो ये हमारा मोटर है, ये सोलेनोइड स्विच है, हमने बताया जिसका, तो देखते हैं इधर पॉजिटिव, तो हमारे
तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट कहाँ जा रहा है, सीधे फुल नाइट स्विच पे। ये हमारा फुल नाइट स्विच है, देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर आ गए हैं, ये फुल नाइट स्विच पे देख रहे हैं। इस पर हमारे तीन पॉइंट हैं, तो तीन पॉइंट हम दिखा देते हैं, तीनों पॉइंट ठीक। इस साइड से हम दिखा देते हैं आपको तीनों पॉइंट, ये देख रहे हैं एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक। तीन पॉइंट दिए हैं फुल नाइट स्विच पर। तो जैसे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल आया है, ठीक, ये पॉजिटिव पॉइंट का ये आया है सीधे यहाँ पर, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, देख रहे हैं वही तार वही वायर आई हुई है। तो पॉजिटिव पॉइंट का कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर टर्मिनल पर, इसमें बताया तीन पॉइंट है, तो फर्स्ट नंबर टर्मिनल पर आ गया पॉजिटिव। और यहीं से हमने क्या बताया था, फर्स्ट नंबर गया तो यहीं से कनेक्शन हमारा कहाँ पर गया, स्टार्टिंग स्विच पर, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रेड कलर की वायर दिख रही है, ये हमारा इसी टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं इसी टर्मिनल जुड़ा है यहाँ पर, ये रेड कलर का वायर कहाँ हो गया, यहाँ सीधे कनेक्शन होकर कहाँ हो गया हमारा स्टार्टिंग स्विच पर, ठीक। इसके अंदर आई है ये वायर आई है, इसके अंदर लगा है हमारा स्टार्टिंग स्विच, स्टार्टिंग स्विच देख लीजिए यहाँ पर, ये की लगाने वाला है, ठीक। हमारे एक की लगाने वाला है, दिखाते हैं, ये हमारा इसमें की लगा है, ये इसे बोलते हैं स्टार्टिंग स्विच। आया कहाँ पर, स्टार्टिंग स्विच पर आया है, ठीक। तभी हमारा स्टार्टिंग स्विच पर आ गया है, तो हम स्टार्टिंग स्विच को ऑपरेट करके देखते हैं। जैसे हमारे वाइज डायग्राम है वैसे हम बताते हैं, तो हमारे स्टार्टिंग स्विच का फर्स्ट पॉइंट हम करते, ठीक। तो स्टार्टिंग स्विच को हम देख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, तो ये हमारे देख रहे हैं भाई जीरो पर है, हमने बताया देख लीजिए स्टार्टिंग स्विच का हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ऑन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ठीक है ना फर्स्ट से हमारा सेकंड पर चला गया, फर्स्ट पर ये पहले था अब चला गया सेकंड पर। तो सेकंड पॉइंट पर हम देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट वायरिंग डायग्राम में सबसे पहले हमारा क्या था, ब्रेक लाइट। तो ब्रेक लाइट जैसे हम ब्रेक लाइट दबाएंगे तो ब्रेक लाइट जलनी चाहिए, इससे जल रही है, इसका ब्रेक लाइट का वायर खराब हो गया है, ठीक ना, हमने चेक किया था पहले ही, तो ब्रेक लाइट का वायर खराब हो गया है, तो ब्रेक लाइट नहीं जल पाएगी। और ब्रेक लाइट के बाद हमने हॉर्न बताया था, तो हॉर्न देख लेते काम कर रहा है कि नहीं, ठीक। ये हैंडल में हॉर्न है, ये हमारा हॉर्न है, ये देख रहे हैं अभी हमने दो ही नंबर पर किया है, हमारा हॉर्न जल रहा है, ठीक हो गया। और हमने क्या बताया था, साइड इंडिकेटर, तो ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए साइड इंडिकेटर जल रहे हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ पर साइड इंडिकेटर का स्विच अलग से दिया है, तो साइड इंडिकेटर जल रहे हैं, ठीक। यहाँ से अभी हमने दो ही नंबर पर किए हैं, साइड इंडिकेटर चल रहा है, अभी जीरो पर ही है, स्टार्टिंग स्विच लाइट स्विच कोई ऑन नहीं किया, लाइट स्विच हमारा यहाँ पर है, लाइट स्विच का कोई छिड़काई नहीं किया, अभी हम जीरो पर हैं केवल, ठीक। ये जल रहा है, हॉर्न हो गया, और इसका साइड इंडिकेटर हो गए, ब्रेक लाइट हो गया, और एक चीज़ हमने बोला था प्लाउ लाइट, प्लाउ लाइट भी इसी से ऑपरेट होते हैं। तो ये पीछे दिख रहा है, ये हमारा है प्लाउ लाइट, ये दिखा दीजिए, ये हमारा इसे बोलते हैं प्लाउ लाइट, ठीक। ये हमारा प्लाउ लाइट है, तो इसको देख लेते हैं, प्लाउ लाइट भी जलना चाहिए, जल रहा है, देख रहे हैं प्लाउ लाइट भी जल गया हमारा, ठीक ना। तो ये प्लाउ लाइट है, प्लाउ लाइट के बारे में बता देंगे आपको क्या काम है इसका, इसके विषय में अभी पहले वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं, ठीक। इतनी सारी चीज़ें अभी जीरो पर है। अब हम चलते हैं अगला हमारा ये हमारा लाइट स्विच है, यहाँ पर देख लीजिए, ये अगला पार्ट है हमारा, ये लाइट स्विच है। तो लाइट स्विच के अभी एक पॉइंट पर देखते हैं, इसमें देखें अभी ऑफ है, अभी जीरो पर है, जीरो पर से इतना हो रहा है, चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, ये फर्स्ट पॉइंट पर। तो फर्स्ट पॉइंट पर देख लीजिए हमारा जल रहे हैं पार्किंग लाइट, देख रहे हैं ये पार्किंग लाइट है, इधर भी और इधर भी जल रहे हैं दोनों साइड, ठीक। दोनों साइड के पार्किंग लाइट जल रहे हैं, इस साइड के भी और इस साइड के भी, ये पार्किंग लाइट फर्स्ट पॉइंट पर थे। तो फर्स्ट पॉइंट पर इसके लाइट स्विच लिखा हुआ था, जिसे वो पार्किंग लाइट इसे बोलते हैं, तो पार्किंग लाइट हमारे देख रहे हैं जल रहे हैं ट्रैक्टर को पार्क करने के लिए, ये पार्किंग लाइट जलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। और सेकेंड पॉइंट पर देख रहे हैं, ठीक, सेकेंड पॉइंट पर हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट पर कुछ नहीं है, देख रहे बस वैसे ही जल रहा है, और कोई लाइट हमारा नहीं जल रहा है, ठीक ना, ये हो गए। फिर इसमें ऐसा है कि सेकेंड पॉइंट जो है हमारा नहीं दिया है, ब्लैंक नहीं दिया है, ठीक ना, बात अलग वैसे छोड़ दीजिए, सेकेंड पॉइंट ब्लैंक नहीं दिया है। इसमें देखो फर्स्ट हमारा पार्किंग लाइट हो गया, और सेकेंड हमारा दिया नहीं है, सेकेंड हमारा वो नहीं है, सीधे थर्ड बजाते हैं। तो थर्ड पर हमारा क्या, हमारा पहले हेडलाइट,
तो देख लीजिए हमारे हेड ट्रेल चल रही होगी आगे, अब सेकंड पॉइंट पर आए हैं, थर्ड पॉइंट पर, ठीक है, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, हेड लाइट जल रही है, ये हेड लाइट का क्या है, अपर है, ये देख लीजिए ये अपर, हमारी लाइट दूर जा रही है, ठीक, आप डिपर जाते हैं इसके फोर्थ नंबर पर, तो ये हमारे ये फोर्थ नंबर हो गया, ठीक, फोर्थ नंबर पर देख रहे हैं डिपर हो गया, ये अपर है और ये डिपर है, ठीक, देख रहे हैं अच्छे से वर्क कर रहा है अपर और ये डिपर, तीन तीन नंबर और चार नंबर, ठीक, सेकेंड नंबर इसमें नहीं दिया, सेकेंड नंबर इसमें अलग से दे देते हैं कुछ किसी चक्कर में, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और ये हमारे लाइट स्विच में देख रहे हैं चारों स्विच ऑन हो गए, ठीक है ना, ये लाइट स्विच के हमारे इसके आगे स्विच नहीं ऑन हो गए, ये देख रहे थे इसके सारे ऑफ कर देते हैं इसको हम, ठीक, और अगले पॉइंट पे जाते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा देख लेते हैं, अगले अगले पॉइंट हम जैसे ही करेंगे, ठीक, वो तो खत्म, लाइट स्विच अगला आता है स्टार्टिंग स्विच में, हम तीसरे नंबर पॉइंट पे जाते हैं, तीसरे नंबर पॉइंट हमने बताया ट्रैक्टर हमारे स्टार्ट होंगे, तो जैसे सेकेंड नंबर पर है ये जीरो है ये सेकंड है, सेकंड के बाद जैसे थर्ड पर चलते हैं, तो थर्ड पर चलेंगे तो हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा ये जो है ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो गया आपका ट्रैक्टर, ठीक, तो थर्ड पर ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, तो थर्ड स्टार्ट होगा तो हमारा सेकंड पर चला जाता है, वहाँ पर रिश्ता नहीं है, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए हमारा जैसे यहाँ ट्रैक्टर स्टार्ट होगा ये हमारी ऑटोमेटिक वापस चली जाएगी सेकंड पॉइंट पर ट्रैक्टर स्टार्ट होने के बाद, तो आप देखते हैं ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट होता है, तो इसके विषय में अपन देखते हैं इसके विषय में अच्छे से, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमने बताया यहाँ पर सबसे मेन हमारा यही है स्टार्टर मोटर, तो जैसे ही हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं तो करंट कहाँ पर जाती है, इस लाइट स्विच से गई है, जैसे थर्ड थर्ड पॉइंट पर आती है, तो इसमें क्या होता है थर्ड पॉइंट पर जाते ही तो हमारा क्या होता है इसी में से देख रहे हैं ब्लू कलर की आई हुई है, ठीक, ब्लू कलर की वायर कहाँ से आई हुई है, हमारा थर्ड नंबर पॉइंट से आई है, तो थर्ड नंबर पॉइंट से हमारा कनेक्शन कहाँ पर आ रहा है सेकंड पॉइंट पर, ठीक, ये सेकंड नंबर पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट पर सीधे चला आता है, तो जैसे ही आप तीसरे नंबर थर्ड नंबर पर लाते हैं स्टार्टिंग स्विच को, तो हमारा इसके अंदर मैग्नेट जनरेट होता है, ठीक, हमारा स्विच है इसके अंदर मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेट इसके अंदर जनरेट होगा, इसके अंदर यहाँ पर प्लंजर है, ठीक, इतने बड़े प्लंजर है यहाँ पर, तो प्लंजर जैसे मैग्नेट जनरेट होगा प्लंजर पीछे आएंगे मैग्नेट की वजह से, ठीक, प्लंजर पीछे आएंगे तो यहाँ पे एक लगा है फॉर्क, ठीक, ऐसे एक फॉर्क लगा है इसके अंदर, और फॉर्क का यहाँ पे गियर है, ठीक, यहाँ पे एक गियर बेंडेक्स गियर से बोलते, यहाँ पर एक बेंडेक्स गियर है जिससे फॉर्क द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे प्लंजर हमारा पीछे आएगा ये फॉर्क क्या करे आगे सर जाएगा, जैसे फॉर्क आगे सर जाएगा तो आगे से प्लंजर हमारा क्या करे फॉर्क पीछे साइड खींचेगा अपनी साइड, तो फॉर्क का नीचे खींचा जो है आगे सर जाएगा, आगे साइड किससे फंसा है वो बेंडेक्स गियर से, तो बेंडेक्स गियर को भी आगे से ढकाएगा, तो बेंडेक्स गियर कहाँ पर जाकर फ्लाई व्हील पे रिंग गियर पर जाके मिस हो जाएगा, यहाँ फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील पर रिंग गियर कटे हुए हैं, उस रिंग गियर पर जाके बेंडेक्स गियर फंस जाएंगे, जैसे रिंग गियर फंसे वहाँ पर तब तक प्लंजर किया हुआ यहाँ पर एक तीन नंबर पर स्विच है, ठीक, ये तीन नंबर जो स्विच हमने बताया था यहाँ पर तीसरे नंबर स्विच पर आको आकर वहाँ पर, और सेकेंड और थर्ड दोनों दोनों के बीच में स्विच होता है सेकेंड और थर्ड का कनेक्शन के लिए, जैसे प्लंजर पीछे आता है वो सेकंड का कनेक्शन जो जो इलेक्ट्रिक रहती है उसी से देखता है थर्ड पर, जैसे थर्ड पर हमारी लाइट आती है थर्ड का कनेक्शन सीधे हमारा मोटर से है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दिखा देते हैं आपको, तो ये हमारा देख रहे हैं थर्ड, ठीक, सेकंड जैसे प्लंजर पीछे आया सेकंड को ऑपरेट किया सेकंड स्विच ऑन किया स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक कहाँ आ गए थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट सीधे कनेक्शन हमारा यहाँ पर कहाँ से है सीधे हमारा मोटर से है, तो मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर गियर फंसे ही हैं फ्लाई व्हील पर पहले ही फंस गए हैं और हमारा वहाँ पर मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मोटर चलेगा वैसे हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, कि हमारा ऐसे हमारे सेल्फ स्टार्ट वर्क करते रहते हैं, हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर आते हैं अल्टरनेटर पर, तो अल्टरनेटर देख रहे हैं यहाँ पर बेल्ट लगी हुई है, एक फैन है, ठीक, फैन पुली पर लगी हुई है यहाँ पर अंदर से, ठीक, फैन पुली पर बेल्ट लगी हुई है, तो ये ट्रैक्टर चलेगा तो फैन पुली चलेगी तो ये बेल्ट चलेगा तो हमारा अल्टरनेटर चलेगा, ठीक, ये हमारा अल्टरनेटर है, जब अल्टरनेटर चलेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा, तो अल्टरनेटर हमने बताया था दो पॉइंट है, ये हमारे यहाँ आप देख रहे हैं दो पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, इसमें से कोई निगेटिव नहीं, निगेटिव इस क्या करते हैं अंदर ही अंदर करते बॉडी को दे देते हैं, इसके पहले मैंने बताया था इसका निगेटिव पॉइंट क्या करते हैं बॉडी को ही दे देते हैं, इसके अंदर बॉडी को बैटरी का निगेटिव और इसका निगेटिव दोनों निगेटिव पूरा बॉडी में हमारे पूरे निगेटिव निगेटिव है, ठीक,
एक नंबर एक पॉजिटिव हमारा व्हाइट कलर की है वो कहाँ पर जा रही है, सीधे हमारे स्टार्टिंग स्विच के एक नंबर पर, ठीक, स्टार्टिंग स्विच के एक नंबर पर जा रही है, जो क्या करता है हमारे बैटरी को चार्ज करता है। क्लियर, जैसे डायग्राम बताया था। और हमारा यहाँ पे एक हमारा रेड कलर देख रही है, ये भी पॉजिटिव है, ये कहाँ पर जाएगा, लाइट स्विच के सेकेंड नंबर पर, अरे सॉरी स्टार्टर स्विच के सेकेंड नंबर पर, स्टार्टिंग स्विच के सेकेंड नंबर पर जाएगा, सेकेंड नंबर से अटैच है पूरा लाइटिंग जो हमने पूरे दिखाया अभी लाइट, तो पूरा लाइट हमारा सेकेंड नंबर से अटैच है। तो हमारा सेकेंड नंबर, जैसे सेकेंड नंबर हमने बताया चाबी सेल्फ लगाने के बाद एक्सर स्टार्ट हुआ, तुरंत हमारा चाबी कहाँ आते हैं, तुरंत हमारे सेकेंड पोजिशन पर आ जाती है, सेकेंड पोजिशन पर आ गए, सेकेंड पोजिशन से हमारा पूरा अटैच है पूरा लाइट, हमारे अल्टरनेटर से हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा अल्टरनेटर, वही चीज वही इलेक्ट्रिक से हमारा क्या होगा पूरा लाइट स्विच चलना स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीज उसी से वर्क करेंगे, बैटरी से हमारा कनेक्शन हट जाएगा, ठीक ना। ऐसे हमारा ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क करते रहते हैं। क्लियर, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्लाउ लाइट के बारे में, हमने पहले ही बोला था, तो दिखाते हैं आपको प्लाउ लाइट। ठीक, ये हमारा पीछे लगा है प्लाउ लाइट, देख रहे हैं अच्छे से, ठीक, देख लीजिए पीछे तक चुके हैं, ट्रैक्टर के हमेशा राइट साइड में लगा होता है प्लाव लाइट। तो इसका वर्किंग क्या है, इस प्लाव लाइट का वर्क क्या है कि हमारे जैसे ट्रैक्टर में पीछे हम इम्प्लीमेंट चल रहे हैं, पीछे इम्प्लीमेंट चल रहे हैं रात को, यदि हम रात को वर्क कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इस इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक लाइट दे दिया है पीछे, जिसे हम प्लाव लाइट बोलते हैं। जैसे प्लाव जो हमारा चलता है तो उसमें देखने के लिए कि हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, इसलिए हम एक अलग से देते हैं जैसे इससे आप प्लाव लाइट बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमारे पूरे हो गए इलेक्ट्रिकल सिस्टम ट्रैक्टर के, सारी चीजें हमने बता दी है। तो अगला दिखा देते हैं हम आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के बारे में, डैशबोर्ड का हमने चर्चा किए थे उसके विषय में बता देते हैं कौन कौन से इंडिकेटर है इसमें। स्टीयरिंग के नीचे, जस्ट नीचे स्टीयरिंग के नीचे हमारा क्या है, एक डैशबोर्ड है, ठीक, डैशबोर्ड पर देख रहे हैं सारे मीटर। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ये हमारा क्या है, आरपीएम मीटर है, ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 4, 6, 8, ठीक, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हमारा ये क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में यहाँ देख रहे हैं आरपीएम इंटू 100 लिखा है, अरे 6 पर चल रहा है तो मतलब 600 आरपीएम पर चल रहा है, 6×100 मतलब 600 आरपीएम पर चल रहा है, तो ये हमारा आरपीएम मीटर दिखाएगा। और यहाँ पर बीच में लिखा है आवर, ठीक, ये हमारा आवर बताएगा कितने घंटे हमारा ट्रैक्टर चला, इस चीज़ को भाई देख रहे हैं इसमें 495 घंटे चलाए अभी, ठीक, 4,009, ठीक, ये हमारा है आवर मीटर और आरपीएम मीटर। और अगले इंडिकेटर में जाते हैं, तो अगला इंडिकेटर यहाँ पर है, ये हमारा बैटरी का है, ठीक, बैटरी का है, तो ये देखते हैं सबका बैटरी का अलग अलग रहता है, इसमें कैसा है अभी देख रहे हैं, हमारा जो सुई है हमारा क्या है बीच में है, ट्रैक्टर अभी हमारा बंद है, ठीक, ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट करके दिखाते हैं, जैसे हमारा ट्रैक्टर बंद है, जैसे ट्रैक्टर का स्टार्टिंग स्विच ऑन करेंगे तो ये कहाँ पर आएगा, हमारे नेगेटिव साइड आएगा, ठीक ना, और जैसे ट्रैक्टर चलना स्टार्ट हो जाएगा ये क्या कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव साइड, मतलब कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, इस चीज़ को इंडिकेट करेगा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ठीक, तो हमारा बैटरी चार्जिंग दिखाने के लिए है। और अगला में आते हैं, तो ये हमारा है टेम्परेचर गेज, ठीक, इसमें बताएगा आपका टेम्परेचर, तो हमारा हमेशा हमने टेम्परेचर के लिए बताया था कि हमारा ये किस में चलना चाहिए, हमेशा